यहाँ पर जाति भेद है, वर्ग भेद है, लिंग भेद है, भाषा भेद है, प्रांत भेद है, ऐसा देख करके जो है ऐसा महसूस करके इनमें एकता नाम की चीज़ें नहीं है, तो बहुत आसानी से इन्हें आक्रमण करके पछाड़ा जा सकता है। तो आए बहुत सारे पत्र भी आए, आर्यों के रूप में आए, उन्होंने छल और छद्म से तमाम यहाँ की जो मेहनत का जो व्यवस्था थी, जो मेहनत में विश्वास करने वाले थे, जो ईमानदारी में विश्वास करने वाले थे, जो समता में विश्वास करने वाले थे, जो न्याय में विश्वास करने वाले थे, ऐसे लोगों के बीच में जो है जाति भेद पैदा करके उनके बीच में इतने विघटन कर दिए कि ये देश पूरा का पूरा गर्त में चला गया। 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी विषम परिस्थितियों में, जबकि उन्हीं उनको मनुवादी सब कह सकते हैं, ब्राह्मणवादी कह सकते हैं, क्योंकि इस देश के दुश्मन ब्राह्मणवाद और मनुवाद है। यदि इस देश को पीछे ले जाने का कोई काम कर रहा है तो ब्राह्मणवाद और मनुवाद है। कोई ये ना सोच ले कि मैं ब्राह्मण माँ के कोख में से पैदा हो गया और मेरे तो समतावादी विचार है, मानवतावादी विचार है, तो मेरे लिए भी गाली दे रहे हैं, उनके लिए गाली नहीं दे रहे हैं। हम किसी ब्राह्मण को या क्षत्रिय को या वैश्य को गाली नहीं दे रहे हैं, हम उस इज्म को, उस वाद को गाली दे रहे हैं जिसने मानवता को, समूची मानवता को नष्ट करने का काम किया है, जिसने उसको बांटने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही उद्देश्य रहा जीवन का, इनके इन प्रकार चूँकि सेना में उनके पिताजी थे, अंग्रेजों की सत्ता थी, उस कारण से जो है हिंदूवादी व्यवस्था तो पढ़ने लिखने का अधिकार शूद्रों को देती नहीं थी, अति शूद्रों को देती नहीं थी। अंग्रेजों के माध्यम से बाबा साहब ने पढ़ना शुरू किया, MA, MSc, PhD, DSc, DLit, LLD, बार एटला, सिर्फ इसी देश की नहीं बाहर विदेशों की भी जो है बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की। जिस व्यक्ति को स्कूल से बाहर बिठाया जाता था उसने संस्कृत के जो है महान महान ग्रंथों को पढ़ने की योग्यता हासिल कर ली। जिसको होटल में ठहरने नहीं दिया जाता था उसके नाम से आज राष्ट्रीय स्मारक, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बन रहे। कोई भी किसी की मेरिट को डिमेरिट नहीं कर सकता है। दुनिया के अंदर किसी के अंदर भी शक्ति नहीं है कि कोई मेरिट को डिमेरिट और डिमेरिट को मेरिट में कन्वर्ट कर दे। कोई ताकत नहीं कर सकती है, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध करके दिखाया इस बात को। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात को लेकर के आदरणीय IR सिंह जी और उनके साथियों ने ये सेमिनार की है कि हम भगवान बुद्ध की तरफ क्यों चले। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा जो है अध्ययन किया था, 1935 में कह दिया था इस गंदे नाले से बाहर निकलना हमें, और 1956 में जाकर 22 साल बहुत होते हैं, 22 साल तक बाबा साहब यही अध्ययन करते रहे कि समूची मान्यवर कांशीराम 85% 15% की बात करते रहे, उनके समकालीन और भी बहुत सारे साथी जो है तो तरह तरह के जो आज भी लगे हुए हैं। मैं सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलता हूँ, आदरणीय बीडी बोरकर जी हों, आदरणीय भवन मेशराम जी हों, आदरणीय चिमनकर जी हों, आदरणीय हमारे ये जो है विजय मानकर जी हों, आदरणीय राजा ढाले वगैरह और ये सब जितने भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर के चल रहे हैं आज। बाबा साहब अम्बेडकर को समता सैनिक दल के रूप में एक जो है सामाजिक इकाई मिली, जिसको उत्तरी भारत में आदरणीय विदास जी चला रहे थे, उन्होंने जो है ये कमान सौंपी दिल्ली वासियों के लिए आकर के। उन्होंने कह दिया हम कागजों में चला रहे हैं, तुम जो है फील्ड में चलाओ। ये सब लोग जानते हैं, आदरणीय पंकज जी, IR सिंह जी भी हमारे साथी जो है समता सैनिक दल से निकले, समता सैनिक दल करें, इनके अंदर बहुत बड़ी योग्यता है। ये अपनी बात को बहुत पुरजोर तरीके से रख देते हैं और उसके उस पर आचरण भी करते हैं। आदरणीय भाई मनोज भी समता सैनिक दल जुड़े हुए, पीछे जितने भी साथी बैठे हैं, बुजुर्ग साथी जितने भी हैं, समता सैनिक दल को जानते हैं। चूँकि समता सैनिक दल इधर भी मुझे दिखाई दे गए हैं, ये समता सैनिक दल और कोई संगठन नहीं था, ये किसी को जितवाने हरवाने का कोई संगठन नहीं था, ये उस मिशन को ही लाने का काम करने का था कि ये भारत किस प्रकार से संवर्धित हो सकता है,
भारत पुरानी ऊंचाइयों पर किस प्रकार से पहुंच सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा में जो जो भी विचार होते थे उन विचारों को तो जो है ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोग, ब्राह्मण वो अपने आप को जो है ऐसा महसूस ना करके उनको गाली दी जा रही है, वो गाली नहीं दी जा रही है, गाली सिर्फ ब्राह्मणवादियों को दी जा रही है, ब्राह्मणवाद को मानने वाले पोसने वालों को दी जा रही है, जो जाति भेद पैदा करते हैं, जो लिंग भेद पैदा करते हैं, जो इस देश में मानव और मानव को बांटने का काम कर रहे हैं, हम उनको गाली देते हैं। उनके लिए उनके विरोध में जाकर के मुकदमे भी लड़ सकते हैं कि मनुवाद इस देश का दुश्मन है, ब्राह्मणवाद इस देश का दुश्मन है, ब्राह्मणवाद और मनुवाद यदि इस देश से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर समूचे जो है भारत के अंदर शांति समता मैत्री करुणा और भाईचारे की स्थापना हो जाएगी, कहीं भी लड़ाई और झगड़े की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर आज क्या हो रहा है, आज तो स्थिति इतनी बद से बदतर होती जा रही है, और उसका एक कारण ये है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को जो है जानते हैं क्योंकि मानते नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे थे जो है बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान होता है बाबा साहब अम्बेडकर का तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का प्रतीक ही बता दिया गया, उससे पहले कोई एग्जाम्पल नहीं था, ज्ञान का सिंबल ऑफ नॉलेज ओबामा जी ने जो है लिखा वहाँ पर जो है लंदन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जो पिछले 100 साल का जो अध्ययन किया गया कि इसके जो स्कॉलर हैं यहाँ से जो गए हैं उनमें कौन विद्वान हो सकता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर पहले पायदान पर जो है चुने गए। आई बी एन और CNN चैनल के द्वारा जो एक वो हुआ था, बहस हुई थी, उसमें एक पूछने की कोशिश करी गई थी चैनल के माध्यम से कि पूरी दुनिया के अंदर कौन है, और उसमें भी भारत में जो अग्रणीय पंक्ति में कौन हो सकता है, उसमें जानबूझ करके गांधी जी को अलग कर दिया गया था, क्योंकि सबको पता था गांधी जी का नंबर नहीं आने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी के बाद यदि कोई जो है विद्वान पुरुष है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। अब जब बाबा साहब अम्बेडकर स्थापित हो गए कि ये विद्वान है, और इस तरह से स्थापित हो गए कि ये समूची पीड़ित मानवता के लिए समता और स्वतंत्रता के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है और कोई उद्देश्य नहीं था, तो अब कम से कम जो व्यवस्था प्रताड़ित हो रही है, जो व्यवस्था पिछड़ रही है, जो लोग उससे आज भी अभिशप्त हैं मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से कम उनको तो जो अब ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतने हम विद्वान नहीं रह गए कि बाबा साहब अम्बेडकर से भी ज्यादा कोई ज्ञान प्राप्त करें। बाबा साहब अम्बेडकर 18-18 घंटे पढ़ते थे, अपनी किताबों को तो पढ़ ही लेते थे, परंतु वो जो है सबसे अधिक इसी चीज़ पर चिंतनशील रहते थे। उन्होंने अपना घर परिवार भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज ही तो बताई, कहीं बाहर से नहीं लेकर के आए, इसी देश से पैदा होने वाली व्यवस्था जो समता पर मानवता पर करुणा पर मैत्री पर सब इंसान और इंसान के बीच में जो भेद है उसको मिटाने पर जो व्यवस्था काम कर रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो यहाँ के मनुवादियों ने ब्राह्मणवादियों ने मीलों नीचे दबा दी थी उसको उजागर करने का काम किया। आदरणीय IR सिंह जी को बधाई मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि उस विषय को लेकर के आए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का ही धर्म क्यों चुना। भगवान बुद्ध का कोई धर्म नहीं था, ये इंसान और इंसान को जोड़ने वाला एक मार्ग है, ये समता मैत्री और करुणा पर आधारित एक समाज स्थापित करने का मार्ग है। कौन कहता है भाई जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, जो अपराध नहीं करेगा वो बढ़िया तरीके से सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। भगवान बुद्ध ने यही बात बता दी, पांच चीजों का तो जो है पालन कर लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए धाराएं बना दी है, पाणाति पाता वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि, भगवान बुद्ध कहते हैं पाणाति पाता वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि, मैं किसी भी जीव मात्र को दुख नहीं दूंगा। एक सीध का ही पालन करना शुरू कर दे पूरा देश,
कि हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना, तो आधी सी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाएगी इस देश की। कहाँ नक्सलवाद, कहाँ आतंकवाद, और कहाँ कोई और दूसरा वाद पैदा होगा, उसमें सारी एनर्जी बर्बाद हो रही है। परंतु किसी किसी को मजा आ रहा है, इसी व्यवस्था को पनपाने में मजा आ रहा है। आज की डेट में भी मजा आ रहा है, कैसे ही भगवान बुद्ध का धम्म नीचे चला जाए। बाबा साहब अम्बेडकर को ज़्यादा हाईलाइट मत करो, क्योंकि वो लोग जो है फूट पर आधारित। अभी जो है हमारे एडीजी साहब जो कह के गए थे कि कुछ लोग जो है पैरासाइट व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं, उन्हें करना धरना कुछ नहीं है। जो कमेरा समाज है, जो मेहनत का समाज है, उसकी जो है उस पर जो है जीवित रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको जब समता की बात आती है तो बराबर की भागीदारी की बात आ जाती है, तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। और ये आरक्षण के ऊपर जो बहुत सारी बातें हो जाती है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या काम करा था, रैमजी मैकडोर ने जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से जब आज़ादी की बात चल रही थी भारत के अंदर, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें कॉन्फ्रेंस में लंदन में जो 1931-32 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ उनको ये कन्विंस कर दिया था कि ये समाज जो है कमज़ोर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में मां तारा का सत्याग्रह किया था, अपने सारे अनुयायियों को साथ लेकर के, समता सेंद्र के जवानों को साथ लेकर के। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि इससे रोज रोज पानी नहीं पीने आएंगे इस तालाब से, परंतु यही ये दिखाना चाहते थे कि इस देश के अंदर इतनी विषमता भरी पड़ी है, यहाँ पर आजाद किसको करने के लिए विचार हो रहा है। ये सारी की सारी जो है हर जाति, हर धर्म, हर कौम जो है जो लड़ रही है, उसमें से चंद लोग नेतृत्व कर रहे हैं, और वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम गुलाम पे गुलाम बना करके दूसरों को रख लें और हम 5-10% मिलकर के यहाँ पर इनका शोषण करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात रखी थी, जिसके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोल की बात हुई थी, जो है कमनल अहबार जो घोषित किया था रैमजी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में, वो यही था 17 अगस्त 1932 को, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जान लेते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वास्तव में इनके साथ का शोषण है, मंदिर में नहीं जाने देते हैं, तालाब में से पानी नहीं, सार्वजनिक स्थान से पानी नहीं पीने देते हैं। इतना अन्याय और इतना जलालत भरा जीवन, पशु से भी बदतर जीवन। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो कहा कि इस गंदे नाले से तो निकलने में ही भलाई है। पुराना इतिहास भी आ गया, अभी बता करके गए, राजे और महाराजे हुआ करते थे यहाँ पर, इस समाज के लोग जिनको जो है उनका जीव एक साधा सामान्य जीवन जीने के लिए भी जो अधिकारों से वंचित कर दिया। तो उनके लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बहुत सोच समझ करके एक रास्ता दिया था, इस रास्ते में जो है समता मिलेगी, करुणा मिलेगी, मित्रता मिलेगी, बंधुत्व मिलेगा। पाणातिपाता वेरमणी सिक्खा पदंग समाधियामि, अदिन्न दाना वेरमणी सिक्खा पदंग समाधियामि। मैं किसी के बिना दी हुई चीज़ को ग्रहण नहीं करूँगा, यानी चोरी नहीं करूँगा, किसी दूसरे की चीज़ पर नजर नहीं रखूँगा। कामेशु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खा पदंग समाधियामि, मैं काम वासनाओं से मुक्त रहूँगा सदैव। मैं दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन मानूंगा, बेटी मानूंगा। संबंध एक से शारीरिक हो सकते हैं अपनी पत्नी के रूप में जो है, लेकिन बाकी की सब मेरी माँ बहन हैं, मेरी बेटियाँ हैं। ये भगवान बुद्ध ने बताया, उन्होंने जो है अपने ऊपर पूरा का पूरा जो है जीवन को कस करके देखा। तो राजा के बेटे थे, उन्होंने लात मार दी, ठोकर मार दी, क्योंकि कोई भी जो है जिसके मन के अंदर इंसानियत दिलाने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है, उसको ये सारी चीज़ें भोग विलास कहीं सूट नहीं करते। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है जब पढ़े सारे धर्म, सब जगह अंधविश्वास भरा पड़ा है, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई और धर्म हो, ईसाई हो, पारसी हो, अगर इस जीवन से अलग परा काल्पनिक शक्तियों में बड़ा विश्वास करते हैं, कोई है कहीं पर स्वर्ग नरक। अबे स्वर्ग नरक कहाँ है भाई, यहाँ पर तो तुमने नरक बना रखा है। जो है चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, दूसरे की माँ बहनों की इज्जत को तार तार कर देते हो,
ऊंचा वादा भी रमणी सिखा पदक समाध्यामी, और उसके बाद फिर नशीले पदार्थों से अपनी बुद्धि को लाश करते हो, बुद्धि को नष्ट करते हो अपने को, इन पांच चीज़ों पे चलना शुरू कर दो। बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है भगवान बुद्ध का धम्म, परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए तो यही आवश्यक है, सिर्फ इतना ही कि हम जो है किसी को किसी प्रकार का दुख ना दें, कष्ट ना दें, हम किसी की दूसरे की पराई चीज़ को जो है अपनी ना समझें जब तक वो स्वयं जो है हमें ना प्रदान कर दे, हम जो है कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी को झूठ ना बोलें, किसी प्रकार के नशीले जो है जो व्यसन है उनसे दूर रहें। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 90% समस्याएं तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो मैं साधुवाद देता हूँ इन तमाम जो है साथियों को जिन्होंने, बहुत सारे एडवोकेट साथी हैं, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इसके जो आयोजक हैं इस सेमिनार के, वो एडवोकेट साथी हैं, उनके अंदर एक जो कैपेसिटी होती है वो अपनी बात को बहुत बढ़िया तरीके से रख सकते हैं, सारे लोग रख रहे हैं। सूरत में आज जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है समता सेंटर का, अधिकांश सारे समता सेंटर के जो है 20-25 जवान हमारे वहाँ गए हुए हैं, पूरा नेतृत्व गया हुआ। मैं IR सिंह एडवोकेट से बेहद प्रेम रखता हूँ, इन्होंने कहा था निशान जी तुम्हें जरूर रहना सेमिनार में, तो मैंने जो है इनकी बात पाए देते हुए उधर का जो है अपना कैंसिल किया कार्यक्रम। राजकोट में भी आज कार्यक्रम चल रहा है, सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूँ इनकी सफलता के लिए, चूँकि सफल है, संख्या की बात होती नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर तो अकेले ही चलते रहे, अकेले ही चलते रहे, दादा साहब पराड़ मिले, जी के माने साहब मिले, और दूसरे साथी मिलते चले गए, उन्होंने जो है कभी मुड़ करके नहीं देखा मेरे पीछे कितना। लेकिन आज तो जो है ब्राह्मणवादी और मनुवादी जो कहते बिना बाबा साहब के तो टूक नहीं तोड़ रहे, ये तो देखो। तो कम से कम उनकी बातों को आज हम तो सब स्वीकार कर ले जो प्रताड़ित रहे हैं पूरी तरह से। इसलिए उन्होंने जो रास्ता बताया है कि हम अपने जीवन को बहुत ही सद्धर्मपूर्ण तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध की शरण में आना ही है। जय भीम, जय भारत नमो।